हेलो, आज मैं आया हूँ अपने गांव के पहाड़ के पास कुछ ढूँढने के लिए, कुछ खाने के लिए। एक्चुअली मैं बचपन में आया करता था। ये देखिए पहाड़ पीछे तरफ है। ओके, ये पहाड़ में चढ़ने वाला हूँ। मैं दिखा दूँगा आप लोगों को अच्छे से। ये पहाड़ में मैं चढ़ता था और खाता था चार। चार बोलते हैं, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं या हिंदी में भी क्या बोलते हैं पता नहीं, बट यहाँ का नेटिव भाषा जो है उसके अकॉर्डिंग में चार बोलते हैं और केंदु ही बोलते हैं। दूसरा एक फल है जिसको केंदु बोलते हैं। यूजुअली ये दो फल खाने के लिए मैं आया करता था। तो इतने सालों बाद मैं आया हूँ आज ये जंगल चढ़ने के लिए। काफ़ी गर्मी है लेकिन होपफुली मैं आराम से चढ़ सकता हूँ। ये देखिए, ये है जंगल और उधर पूरे जंगल जंगल एरिया है। और वो एरिया जो देख रहे हो आप, रुकिए, वो एरिया से गीटी सब लिया जाता है। मतलब वहाँ पे ब्लास्टिंग होता है और पत्थर ट्रांसपोर्ट किया जाता है शहर में कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसा है ये जगह। तो ऊपर चढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाय द वे, मैं एक्शन कैमरा खरीद रहा हूँ, खरीद चुका हूँ, आना बाकी है, बस डिलीवर कर दें अमेज़ॉन। इस लॉकडाउन के चक्कर में मुझे मिला नहीं, नहीं तो मैं आज एक्शन कैमरा से कर रहा होता शूट और बहुत कुछ क्लियर दिखता। लेकिन ये मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन का भी कैमरा अच्छा नहीं है यार। ये देखिए क्या सुंदर है ये, ऐसा लग रहा है लकड़ी है लेकिन ये मशरूम है जिसको खाया नहीं जाता है। कैसे बहुत टाइट है, ओह माय गॉड, पूरा लकड़ी जैसा है, टाइट भी है लेकिन मशरूम है ये। ये चार का पेड़ है, यहाँ से आपको फल दिख रहा होगा, उसके छोटा छोटा बेरी जैसे हैं, क्या बोलते हैं, बट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है, ये जो है ये है चार का और ये पक गया है। पकने पर ये ऐसा काला हो जाता है और बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना पास में ही पहुँचा सकता हूँ। ये देखिए ये हरा हरा रंग का है, मतलब ये पका नहीं है, जो पका है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पके हुए हैं, थोड़े काला हो रहा है ना रंग, पका हुआ है मतलब। ये देखिए, ठीक है मैं तोड़ता हूँ अभी। तो मैंने जितना हो पाया अपनी कोशिश करके ये सब तोड़ लिया हूँ, और मैंने इतना तोड़ लिया है, देखिए इतना तोड़ लिया है, सिर्फ एक पेड़ से मैंने इतना तोड़ा है। ये कैसे तोड़ा ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ तक चढ़ा बस, और फिर मैंने उस डाली को हिलाया, ये डाली जो गए हैं इनको हिलाया, फिर यहाँ तक चढ़ा, फिर वो वाले को हिलाया, और बस उतना में ही बहुत सारे गिर गए, और जो गिरे हुए थे उनमें से इतना मिला मुझे, इतना मिला। धो के खाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा साफ़ दिख रहा है, काफ़ी पेड़ में था, किसी ने टच नहीं किया है और काफ़ी साफ़ है। मैंने इसको पोंछ भी दिया, तो मैं एक बार खा के दिखा। काफ़ी टेस्टी है, मतलब एकदम ड्राई और एकदम गीला के बीच में जब रहता है तब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। सैचुरेट हो जाता है इसका शुगर कंटेंट, ज़्यादा मास नहीं होता है इसके में, ज़्यादातर बीज है अंदर में 90% बीज है, 10% बस मास रहता है, उतना ही को खाना रहता है। बीज को भी खाते हैं वैसे लोग। बीज एक्चुअली एक हार्ड शेल से कवर्ड है। ये रहा बीज जो मैं अभी खा रहा था, उसको भी तोड़ते हैं, इसके अंदर क्या है देखते हैं, उसको खाया जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा टूट गया, ये देखिए इसके अंदर जो वाइट वाइट, कैसे बताऊँ, ये वाला को तोड़ के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, यहाँ जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये वाइट वाइट को ही खाते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। और ये है जंगल। अब मैं वापस जाता हूँ यार,
पानी वानी कुछ लेके नहीं आया हूँ, ज़्यादा देर में रह नहीं सकता जंगल में। अगली बार आऊँगा तो उधर भी लेके जाऊँगा, ये पहाड़ क्रॉस करके जाऊँगा आगे। आगे भी बहुत अच्छा नज़ारा है, और आपको पीछे जाके दिखाता हूँ एक दूसरा फल मैंने बताया था, केंदू फल जो बोलते हैं। तो ये है केंदू का पेड़ जो मैं बोल रहा था, इसका भी फल को खाते हैं। ये चीकू का फल जैसा होता है लेकिन छोटा रहता है और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। चीकू कुछ ज़्यादा ही मीठा लगता है, इसका मीठापन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है चीकू से। ये केंदू का पेड़ का एक एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है, इसको लोग फायरवुड के जैसे यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका जो कवरिंग है, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक कवरिंग, ये जब आप आग में जलाओगे तो ये स्पार्कलिंग जैसा होता है, मतलब चट 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 करता है और इधर उधर क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर फैलाता है आग को। तो इसका कवरिंग अगर निकाल दो तो ठीक चलेगा, जैसे ये देखिए ये अंदर वाला है ये ठीक चलेगा, लेकिन इसका कवरिंग जो है ये देखिए जो है, इसको आप जलाओगे तो चट चट करेगा, ठीक है, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं इसको फायरवुड की तरह इस्तेमाल करना है। अब मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को फल यहाँ से तो दिखा नहीं सकता। तो फाइनली मैंने 3-4 डंडे मारने के बाद ये केंदू का फल गिरा लिया। ये देखिए केंदू का फल ऐसा होता है, ये पका भी हुआ है मस्त, इसके अंदर जो है ऐसा दिखता है वो बीज है जो निकल रहा है, कवर किया गया है उसको एक मेम्ब्रेन के साथ, नेचर का खेल, ठीक है, बहुत टेस्टी होता है। केंदू का कच्चा फल है ये, जब ये पकता है तो येलो कलर का हो जाता है, तो इसको खा नहीं सकते, इसको खाओगे तो बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा इसका। और ये देखिए घास कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरह हम ये जंगल वाला ट्रिप जो है आज ख़त्म करता हूँ यहाँ पे वीडियो। तो ये था जंगल वाला व्लॉग, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और खेती वेती देखो भाई, ऐसा होता है खेती वेती, खेती का भी अलग सा व्लॉग बनाऊंगा, उसमें भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और ये मैं बंद करता हूँ, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।